हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बर्थडे से रिलेटेड कुछ डेकोरेशन आइडिया। आप अपने किड्स के बर्थडे में किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बर्थडे में, ताकि लोग आए और आपकी तारीफ़ों के फूल बांध दें, आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगे और आपका जो बर्थडे डेकोरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और आपके बच्चे भी इंजॉय करें, उनका भी मन खुश हो जाए देखकर कि मेरे बर्थडे में मम्मी ने इतना कुछ किया है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने अपने किड्स के बर्थडे में किस तरह से जो डेकोरेशन था वो किया था। एक्चुअली इस मेरे किड्स का सेकेंड बर्थडे था जिसमें मैंने इस तरह का डेकोरेशन किया था, और मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि मैंने कितनी जल्दी किस तरह से प्लानिंग करी और किस तरह से ये सारा कुछ किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैंने क्या किया था और वो कैसा दिख रहा था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे। तो यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह से पूरा डेकोरेट किया था। मेरे पास कुछ पिक्चर थे और कुछ वीडियोस थे जो कि मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए ये कटआउट बनाया था मैंने। तो इस तरह से सारे कटआउट बनाए थे जो कि बाहर से देखने से बिल्कुल पता नहीं चलता है, और ये था पूरा डेकोरेशन। ये सारे बलून्स फ्लावर बनाए हुए थे। तो ये था पूरा अरेंजमेंट इस तरह से। यहाँ पे फोकस नहीं कर रहा था तो मैंने इसे नीचे करके फिर से फोकस किया। उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी इसलिए पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आई है, वीडियो भी उतना क्लियर नहीं आया है। तो यहाँ पे मैं बलून फ्लावर्स आपको बनाना दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं एक बलून को फुलाकर उसे बांध दे रही हूं। तो इस तरह हमें 5 बलून फुलाने हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने 2 बलून को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर दिया है। इसे अच्छे से बांधे, नहीं तो आपका जो बलून है वो ठीक से फ्लावर नहीं बन पाएगा। हमें बीच में एक दूसरे कलर का बलून चाहिए तो यहाँ पे मैंने ब्लू बलून का यूज किया है। तो एक में मैं 3 बलून ज्वाइंट कर रही हूँ और दूसरे में मैं 2 बलून ज्वाइंट करूंगी ताकि जो फ्लावर है वो 5 बलून का बने। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 बलून में हवा भर के रखी हुई है और मैं अब उसको ज्वाइंट करूंगी। यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से करें आप, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ ट्विस्ट कर देना है ताकि वो फ्लावर बन जाए। देखिए मैं नीचे वाले बलून को ऊपर की तरफ कर रही हूँ और ऊपर वाले बलून को नीचे की तरफ, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से होने पे फिर इसको अरेंज कर देना है, बस इतना ही करना है। तो ये बन गया बलून फ्लावर। और जहां तक ये कटआउट बनाने की बात है तो कटआउट बनाने के लिए आप जो चीजें चाहिए वो ये हैं। और जहाँ तक ये कटआउट बनाने की बात है, मैंने ये कटआउट किस तरह से बनाया था वो मैं बताती हूँ। मैंने इस तरह से बहुत सारे प्रिंटआउट निकाले थे एक बहुत सारे पेजेस में, और इनको मैंने ज्वाइंट कर लिया था। एक्चुअली हम लोगों ने जो प्लानिंग करी थी वो एक दिन पहले की थी और हम लोग के पास टाइम कम था, तो जो थर्मोकॉल था हम लोग सोच रहे थे कि उस पर
कार्बन से ड्रॉ करके पेंट करेंगे, पर हमारे पास शार्प नाइफ नहीं थी जिससे वो थर्मोकोल ठीक से कट नहीं पा रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, उस पेपर को ज्वाइंट करके, देखिए यहाँ पे आपको ज्वाइंट दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ पे भी है ज्वाइंट, तो इस तरह से ज्वाइंट करके हम लोगों ने जो ये पार्ट था, ये पार्ट था, ये पार्ट था, उस तरह सबको पेंट कर लिया और हम लोगों ने डायरेक्ट इसी पे पेपर चिपका दिया। आप चाहे तो इस तरह का कटआउट बनाने के लिए आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं और फिर उसको पेंट कर सकते हैं, तो मैं उतना नहीं कर पाई क्योंकि मैं हमारे पास उतना टाइम नहीं था। तो ये इस तरह से दिखता है और हम लोगों ने इस तरह के बहुत सारे कटआउट बनाए थे। हम लोगों ने कुछ 6 या 7 कटआउट बनाए थे, तो इस तरह से ही सारा हम लोगों ने प्रिंट आउट निकाल के और उसको ज्वाइंट करके फिर हम लोगों ने उसे कट किया। तो ये उतना ज़्यादा स्मूथ कट नहीं है, देखेंगे आप तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत निकला हुआ है जो कि आगे से पता नहीं चल। आप इस तरफ का भी डेकोरेशन कर सकते हैं, पेपर फैन बना सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह का प्रिंट आउट निकाल कर आप पेपर फैन के ऊपर इस तरह का डेकोरेशन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि पेपर फैन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया है जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है और इसको इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ ताकि वो फैन बन सके। तो आपको भी इस तरह से फोल्ड करना है। तो देखिए जब पूरा पेपर फोल्ड हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब बर्थडे जो मना रहे हैं तो एक थीम रखिए कि हाँ आपको ब्लू या वाइट करना है या पिंक या वाइट करना है, इस तरह का ब्लैक या रेड का कॉम्बिनेशन रखना है। तो आपका एक थीम के ऊपर रहेगा तो डेकोरेशन ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप इस तरह का फैन बनाकर उसे एक रिबन पे चिपका सकते हैं, क्योंकि अगर आप वॉल पे चिपकाएंगे तो फिर वॉल से पेंट निकलने का डर रहता है। तो देखिए इस तरह से फैन बन गया पूरा हाफ शेप में, और इस तरह से मैं एक और बनाकर दोनों को ज्वाइंट कर रही हूँ यहाँ पे। दोनों को ज्वाइंट कर लेने के बाद यहाँ मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ, लेकिन आप इसको सूखने के बाद करें। इसको एक तरफ करके स्टिच कर देना है ताकि वो पूरा फैन का ये शेप ले ले। आप एक बड़ा फैन, एक छोटा फैन इस तरह से भी रख के बना सकते हैं और वो भी काफी अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से मैं सुई की हेल्प से इसे बांध दे रही हूँ। बर्थडे जो आपको सेलिब्रेट करना है उसके 2-3 दिन पहले ही प्लानिंग करें, क्योंकि इमीडिएटली प्लानिंग करने के बाद एग्जीक्यूट करने में थोड़ी मुश्किल आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप करके पहले से रखें तो आपके लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिए इस तरह से बन गया है पूरी अच्छी तरह से, और उसको दूसरे सिरे पे भी उसको गम लगा देना है ताकि वो चिपक जाए। तो देखिए ये इस तरह से बन के आ गया है पूरा। आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।